उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में पुलिस ने हाईवे पर लोडर वाहनों का पीछा करके लूट करने वाले गिरोह के चार साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों साथी बदमाशों में से एक बीएसएफ का सिपाही भी शामिल है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध सामान भी बरामद किया है। 2018 को एक कैंटर पे सामान लाद के आगरा से ड्राइवर चला और वो जब सासनी पहुंचा तो सासनी से उसके साथ लूट हो गई और उसको ओवर पावर करके ले जाके उसे फिरोजाबाद के जसराना इलाके में बांध के डाल दिया। ड्राइवर वहाँ से जसराना थाने गया, वहाँ से फिर जब यहाँ संपर्क किया तो यहाँ मुकदमा इसका लिखा गया। विवेचना से ये बात प्रकाश में आई, उसने लिखाया भी था कि एक स्कॉर्पियो पीछा कर रही थी, स्कॉर्पियो में बैठे बदमाशों ने उसके कैंटर को ओवर पार करके लूट लिया और ले जा करके उसको वहाँ बांध के डाल दिया था। इस घटना को इंस्पेक्टर सासनी द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया और इसको जल्दी ही वर्कआउट कर लिया गया। इसमें हमें स्कॉर्पियो बरामद हो गई है, कैंटर बरामद हो गई और उसमें लदा तमाम सामान बरामद हो गया है। डीबी न्यूज़ के लिए हाथरस से शफीक खान की रिपोर्ट।